Hello everyone. Now we are going to solve the problem based on Prim's algorithm. Problem हमारे सामने minimum cost spanning tree हमको find out करना है. Last lecture में मैंने बताया था कि spanning tree क्या होता है. तो spanning tree means एक ऐसा tree जो सभी nodes को आपस में connect करके रखता है. लेकिन उसमें खासियत होती है कि जितनी भी edges उसमें हम use करते हैं वो दी गई edges में minimum cost रखती है. अब मिनिमम कॉस्ट वगैरह क्या होता है, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री क्रिएट करेंगे, हमको क्लियर हो जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो जब हम दिए गए ग्राफ में देखें तो मिनिमम एज हमको मिल रही है बी से सी और सी से ई. हमें अभी स्टार्ट करना है. ओके, तो हम बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, ई से भी कर सकते हैं. तो मैं बी से सी ले लेता हूँ बिकॉज हमको कॉस्ट मिल रही है वन. अब देखिए हमारी आइस आँखें बी पे भी आ गई है और सी पे भी आ गई है. अब हमें क्या करना है, हम बी से भी देखेंगे कि मिनिमम एज कौन सी जा रही है और सी से भी देखेंगे मिनिमम एज कौन सी जा रही है. ओके, हमको सिर्फ बी और सी से जाती हुई एजेस को देखना है. तो यदि मैं देखूँ सी से ई वन जा रही है मिनिमम, अब हमारी आइस ई पे भी आ चुकी है. अब हमको बी सी और ई से देखना है कौन सी एज मिनिमम जा रही है. अगर मैं देखूँ तो सी से डी वेट टू के साथ में जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे सी से डी को कनेक्ट कर देंगे. अब डी पे भी हमारी आइस आ चुकी है. अब हमें देखना है कि हम कहाँ से जाएं जो मिनिमम एज हमको मिल रही है. तो हमको मिनिमम एज मिल रही है बी से ए मिल रही है थ्री, ए से डी मिल रही है थ्री, साथ ही ई से डी मिल रही है थ्री. ओके, लेकिन अल्फाबेटिकली हम देखें तो कौन सा फर्स्ट आता है बी, तो हम लोग क्या करेंगे बी से ए को कनेक्ट करेंगे. यहाँ पर आ गया थ्री. अब ए पे भी हमारी आइस है लेकिन अब ज़रूरत नहीं बिकॉज सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड है, तो हमको मिनिमम स्पैनिंग ट्री यहाँ पे मिल चुका है. अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए हम लोग ए से डी को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी से पहले ए भी आता है, इस केस में क्या हो रहा था. ओके, अगर इस केस में हम देखें तो क्या हो रहा था, अगर मैं इस केस में देखूँ तो बी के पास एज वन वाली वेट थी और डी के पास क्या था टू वाली वेट का था. तो जिसके पास वन मिनिमम वेट हमने क्या किया उसको लिया, हमने क्या किया ए बी से ए को कनेक्ट किया था. ओके, बाकी आप बी से ए लो कोई इशू नहीं, यदि ए से डी लेते हो तब भी कोई इशू नहीं रहता. ठीक, पर आप दोनों को ही ले सकते हो, दोनों को लोगे तो यहाँ पे लूप बन जाएगा. ओके, तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन के रेडी. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कर्स्कल एल्गोरिथम पे वर्क करेंगे कि कर्स्कल एल्गोरिथम यूज़ कैसे किया जाता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने में. थैंक यू.